साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसी साध्वी पर केस दर्ज करवाने थाने पहुंचे। पुलिस द्वारा केस दर्ज नहीं करने पर वे थाने पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों ने केस दर्ज नहीं करने पर पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। काफी विवाद के बाद पुलिस ने जांच का आश्वासन देते हुए आवेदन लेकर कांग्रेसियों को रवाना किया। कांग्रेस प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल ने बताया कि वे कार्यकर्ताओं के साथ सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर मामला दर्ज करवाने सेंटर कोतवाली पहुंचे थे। यहां पुलिस ने FIR करने में टालमटोल किया, जिसके बाद गुस्साए कांग्रेसी थाने पर ही धरने पर बैठ गए। लेकिन दो घंटे से तभी ज़्यादा समय हो गया आपका, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार आपकी है। आपका कहना है कि कोई भी आदमी अब शब्द या स्टेप से बढ़ते और महान आदमी गांधी जी के लिए पता थे जो संसद में जो शब्द बोलेगा उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई आपके। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि शायद मेरे को ऐसा लगता है कि गोडसे की विचारधारा इतनी प्रभावी हो गई है कि वो थाने के अंदर तक पहुँच गई है। इसीलिए महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, उनकी भावनाओं को, उनके खिलाफ कोई अपशब्द बोलने वालों के खिलाफ अगर थाना अगर FIR दर्ज नहीं कर रहा है तो हम भी महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, हम भी धरने में बैठे हैं, देखते हैं कब तक ये FIR दर्ज नहीं करते हैं। जब तक FIR दर्ज नहीं करेंगे, जब तक हम बैठे हैं, इनकी जो गोडसे की मानसिकता वाले जो थाना प्रभारी बैठे हैं अभी, इनकी मानसिकता को दूर करने के लिए हम गांधीवादी तरीके का अपनाएंगे। और निश्चित रूप से अगर FIR नहीं दर्ज करेंगे तो फिर इनकी शिकायत जहाँ जहाँ करना है और किस हिसाब से करना है, आवेदन निवेदन धनादन वाली जो भूमिका निभाना वो करेंगे। कब तक आप बैठेंगे और कब तक? नहीं, हम तो बैठे ही हैं, हम तो बैठे, बैठने का कोई लोड ही नहीं हमको, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी जब तक बैठे। आपके अभी अंदर अधिकारियों तो बात भी चर्चा हुई? नहीं, वो टालमटोल कर रहे हैं, सीधे टालमटोल कर रहे हैं। उनका सीधा सीधा मतलब ये है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कैसे बचाएं। नहीं, वो उनकी चर्चा किसी से भी हो रही हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तो बैठे ना, हम तो यहाँ बैठे हैं, कैसे नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी जैसे आप अंदर बैठे हुए थे, कोई कहाँ बैठा, जिसको जहाँ जगह मिले वैसे बैठे। भैया देखो, मेरी बात सुनो, थाने में अगर कुर्सी उपलब्ध नहीं है तो हम कहाँ बैठेंगे? जमीन पे तो बैठने से रहे। अब वो थाने के अंदर कुर्सी उपलब्ध कराने से हमने सूचना दे दी थी कि भाई हम इतने लोग आएंगे, उसके बाद थाने में कुर्सी उपलब्ध नहीं है तो ये थाना प्रभारी से प्रश्न करिए कि उन्होंने कुर्सी उपलब्ध क्यों नहीं कराई। तो हम सब सम्मानीय लोग हैं, कोई गुंडे बदमाश तो है नहीं। अब जहाँ भी जिसको अगर साधारण था, आप भी अगर आओगे आपको भी जगह नहीं मिलेगी तो बैठ जाओ कहीं भी, और हमने को अभद्रता तो करी नहीं कुर्सी की। अगर उस पर पाए बैठ गए तो ठीक है, बैठ गए, उसमें कोई समस्या थोड़ी है। वो मुद्दा नहीं है, आप उसको मुद्दा मत बनाओ। जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं उस मुद्दे को मुद्दा बनाओ आप। ये फालतू की चीज़ों से बनाने से मुद्दा नहीं होगा मेरी। हाँ, लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी कुर्सी? भैया आप अंदर से बैठो ना। और मेरा निवेदन है, हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए यहाँ FIR दर्ज कराने आए और आप कुर्सी टेबल की बात कर रहे हो, मतलब आप भी क्या नाथूराम गोडसे के साथ में हो क्या? नहीं तो फिर कैसी बात कर रहे हो आप यार कुर्सी? अरे एक अधिकारी के सामने अधिकारी नहीं बोला, और उनसे ही प्रश्न करो आप मेरे से प्रश्न मत करो। को लेकर कांग्रेसियों ने मांग की थी FIR दर्ज करने के लिए, तो क्या पूरा मामला है, उसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन द्वारा? आज जो ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अभी सभी आप देख रहे हैं खंडेलवाल और सभी लोग जो आए हुए हैं, तो ये प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो लोकसभा में कोई टिप्पणी की थी उसके विषय में मांग के लिए आए थे, ज्ञापन लिया है और हम उसको विधि सम्मत कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे। हम लोग वही अभी अनुरोध कर रहे थे, एक दूसरे से बात हो रही थी कि चूँकि ये बात संसद में बोली गई है तो संसद के जो परिधि में आते हैं उसी दायरे में कार्रवाई की जाती है, दूसरी जगह संसद की बात को दूसरी जगह पद अपराध बद्धीबद्ध डायरेक्ट नहीं कर सकते। कुछ कांग्रेसी यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे? नहीं, धरने पर नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बैठे थे और हम लोगों ने बात भी किया था और उस पर चूँकि हमने अंदर बुलाया था तो रहता है कई बार लोगों की गिरफ्तारी वगैरह की बात रहती है, अगर ना मानते तो हमारी तो ये तो एक सांकेतिक रहती है, क्योंकि एक प्रजातंत्र में लोग आंदोलन करते हैं और गिरफ्तारी देते हैं, कुछ छूट जाते हैं। अगर ऐसी कोई बात है नहीं, अभी ऐसा कोई विषय नहीं, हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं और गिरफ्तारी के प्रश्न समझाइश दे रहे हो, बता दिया उसके बारे में लीगल जो है। 144 का उल्लेख किया जा रहा था, क्या मुकदमा दर्ज होगा और अगर नहीं दर्ज किया जाएगा तो क्या परिस्थितियाँ रहेंगी? नहीं, 144 लगी है, कोई प्रदर्शन करता है, ये तो ज्ञापन देने आए थे, शिकायत देने आए थे, इसका उल्लंघन का यहाँ पर थाने में कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए अभी ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे।